सर दर्शकों को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ, लेकिन आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, टोल फ्री नंबर जो लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आप इसके जरिए सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कॉलर एक दर्शक हमारे जुड़े हैं गैंगटॉक से, विकास कुमार जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार सर, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, पूछना था मैडम, बीएल का शेयर है आपके पास। 167 प्राइस पे 100 शेयर्स मैडम। ओके। और बैंक ऑफ बड़ौदा मैडम 169 के प्राइस पे 100 शेयर्स। बैंक ऑफ बड़ौदा 169 के भाव पर है आपके पास। जी जी जी, 169 के लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा और बीएल के शेयर्स हैं आपके पास। ओके, दोनों में ही हल्का नुकसान हो रहा है आपको। चलिए राय ले लेते हैं रुचित। बीएल के शेयर्स हैं 100 शेयर्स इन्होंने 168 के लेवल्स पर लिए हैं, इस पर क्या राय देंगे? और बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर खबर आ रही है कि निफ्टी 50 से अब ये बाहर हो जाएगा, 29 सितंबर से ये सारे चेंजेस लागू होंगे, जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। इन दोनों ही शेयरों पर क्या राय देंगे आप? और बैंक ऑफ बड़ौदा जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें निवेशित हैं उनको भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले अगर बीएल की बात करें तो डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक, पिछले छह महीने में मार्केट के साथ साथ एक आउट परफॉर्मर रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। अभी भी जब भी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तब भी प्राइसेस में अपमूव आ रहे हैं तो वॉल्यूम्स अच्छे रह रहे हैं, तो ये देख के लग रहा है कि जो अगर इनका आने वाले 4 से 6 महीने का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में 210 से 220 के लेवल देखने मिल सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जरूर रह सकती है, फिर से 170 से 175 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर 4 से 6 महीने का व्यू रखकर होल्ड अच्छे रिटर्न्स बीएल में अभी भी बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा कि आपने कहा कि एक अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक बैंकिंग स्पेस में, रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी सेलिंग भी आई है और ये स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है। इसी के अगर विपरीत देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा हैवीवेट है जो विद इन द पीएसयू स्पेस एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हमने देखने मिला है, और जब भी हम पीएसयू बैंकिंग में एक अपमूव देखते हैं तो लीडरशिप स्टेट बैंक आती है, तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एग्जिट करके ये एसबीआई में अपना निवेश शिफ्ट कर ले। जब भी अपट्रेंड फिर से शुरुआत होगी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में तो वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस और लीडरशिप फिर से देखने मिल सकती है। चलिए ठीक है, दोनों ही क्वेरीज आपकी एड्रेस हो चुकी हैं। अपने अगले दर्शक के सवाल को भी शामिल कर लेते हैं। मथुरा चलते हैं, वरुण हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पहले तो हाँ, एक तो ये जी बिजनेस का जो नया सेट है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका, अप्रिशिएट किया आपने। हम कोशिश यही करते हैं कि दर्शकों को अच्छा लगे हमारा जो ये शो है और नया फॉर्मेट नया लुक है, आपने इसे पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और लगातार हमारी कोशिश यही रहेगी कि न ही केवल लुक एंड फील बल्कि जो मुनाफे का आपको हम हमेशा से वादा करते हुए आए हैं उसे बरकरार रखते हुए आगे बढ़े। बताइए आज का कौन सा शेयर है? और मैडम मिड कैप बाजार को पल्लवी मैम जो पेश करती थी वो भी देखनी रही है आजकल जी। अच्छा ठीक है, अभी आप आज का शेयर बताइए। हाँ, मेरे दो सवाल है मैडम। एक तो मैंने इंडियन बैंक लिया है, ठीक है, 332 रुपए पे है 25 शेयर, और एक मेरे पास फैक्ट का शेयर है 52 रुपए पे 50 शेयर। ठीक है, दोनों पर नजरिया भी बता दीजिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया है मैम। ठीक है रुचित, लॉन्ग टर्म के नजरिए से पहले बैंकिंग स्पेस में इंडियन बैंक जहां इनकी पोजीशन है यहां पर आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? और फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रैवलिंग कोर्ट पे भी इन्होंने निवेश किया, यहां पर 52.80 रुपीज की इनकी खरीद है। आज के सेशन में भले ही अप मूव है यहां पर लेकिन इनके प्राइस से अभी भी नीचे ट्रेंड कर रहा है, क्या रिकमेंडेशन है आपकी? इंडियन बैंक की पहले बात करें तो एक पिछले एक साल एक वर्ष में काफी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक ने दिए हैं। अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में है बट लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज एक अपट्रेंड का ही पार्ट है ऐसा लग रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक का जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये 320 से 260 की रेंज में हो रहा है, हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 महीने और कंसोलिडेट करेगा लेकिन उसके बाद एक फिर से अपट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। इनका नजरिया भी काफी लंबा है तो ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और फैक्ट की बात करें तो डेफिनेटली पिछले 5-6 महीने में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने स्टॉक में देखा है, 60 रुपए से लेकर लगभग 32-33 तक का ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और इसमें जो वॉल्यूम्स है जो ऊपर वॉल्यूम्स काफी कम हो रहे हैं रिसेंटली, तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि फैक्ट में से एक बार एग्जिट कर ले,
जो इनका यहाँ पे नुकसान होगा वो आप करंट इन्वेस्टमेंट दीपक फर्टिलाइजर में शिफ्ट करें। दीपक फर्टिलाइजर में जो रिसेंट अपमूव्स रहे उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और काफी अच्छा ट्रेंडेड मूव भी लग रहा है, तो आने वाले 6 से 8 महीने में वहां पे उनका लॉस जरूर रिकवर हो सकता है। तो फैक्ट से एग्जिट करने की राय, और दीपक फर्टिलाइजर में आप निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन बैंक, यहाँ पर भी काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले काफी समय से, इस स्टॉक में भी होल्ड करने की राय होगी। दिल्ली चलते हैं, वहां से हमें दर्शक हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, गगन जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम मेरे पास कैमरिन फाइन साइंस है 101 पे। कैमरिन फाइन साइंस, ये आपने काफी ऊपरी लेवल पर ले लिया था, कब खरीदा था आपने? 3 महीने बैक लिया था मैंने, और नुकसान काफी हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, राय दिलवा देते हैं रुचित से। रुचित, कैमरिन लाइफ ये शेयर इन्होंने 3 महीने पहले लिया था, और अगर पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखे तो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अभी फिलहाल इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, बने रहें? जी नहीं, आई थिंक इनको स्टॉक में से डेफिनेटली एक बार लॉस बुक करके निकलना चाहिए कोई भी उछाल पे। फर्स्टली अगर देखिए तो जनवरी महीने से मिड कैप स्पेस में इतनी अच्छी रैली हमने देखी है, और ये स्टॉक जनवरी महीने से कंटिन्यूस लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर ही बना रहा है और नीचे ही जा रहा है। तो जहां पे मिड कैप्स को इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक कर रहा है, तो वहां पे ऐसे स्टॉक से ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई भी उछाल आता है फिर से ये स्टॉक 82-84 की रेंज में भी इनको मिलता है, तो एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहां पर भी स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले दर्शक को शामिल करते हैं शो में। अहमदाबाद से मुकेश मनकांत ने हमें कॉल किया है। मुकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए। अच्छा, मेरे पास बॉम्बे डाइंग का 100 शेयर है, ठीक है, और मैंने 72.40 रूपीज में जो परचेज किया हुआ है। चलिए मुनाफे में तो है, ये अच्छी राहत है। अभी कब तक रुक पाएंगे यहाँ? मैं 1 साल तक रुकने के लिए दिया हूँ। ठीक है, और कोई शेयर भी है? और भी मेरे पास है गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया किस भाव पर? वो है 119 रूपीज के करीब का भाव है। दोनों में 1 साल का नजरिया मान के चलूं? प्लीज। ठीक है, रुचित पूछ लेते हैं रुचित से। रुचित, अभी पहले तो बॉम्बे डाइंग आप देखिए, यहाँ पर इनको मुनाफा हो रहा है और 5-6 दिनों से काफी स्ट्रांग अपमूव हमने देखा है चार्ट्स में, कि यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है? 1 साल का इनका नजरिया, यहाँ रिकमेंडेशन दीजिए। और ग्रेब्रियल इंडिया में भी आप बताइए, 119 रूपये के आसपास की इनकी खरीद है यहाँ। जी, बॉम्बे डाइंग में अभी जैसे आपने कहा कि पिछले 4-5 दिन से अच्छा खासा मूव हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। और स्ट्रक्चर भी वीकली मंथली में भी काफी अच्छा है, तो जो अगर ये 1 वर्ष तक होल्ड करते हैं तो पॉसिबल है 108 से 110 का फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके अगर उसको क्रॉस कर जाए तो 127 तक के स्तर भी इसमें देखने को मिल सकता है। तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से और भी मुनाफा इनको हो सकता है। गैब्रियल इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली गैब्रियल पिछले 6-8 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये स्टॉक में इनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, मोमेंटम रीडिंग्स अभी ओवरबॉट है। इसके लिए मेरी इनको सलाह यहाँ पे रही कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अप कर ले और बाकी पार्शियल होल्ड करे जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये राय आती है गैब्रियल इंडिया में पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की राय, और बॉम्बे डाइंग आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक ले लेते हैं, हमें इनफैक्ट मैसेज आया है हरियाणा से, जी ने हमें मैसेज किया, और इनका सवाल इंडिगो पर है। इंडिगो के इन्होंने कुछ 786 शेयर्स ले लिए हैं, 1064 के लेवल्स पर इन्होंने ये शेयर्स लिए हैं, और हल्का मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है। रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे? इंडिगो में हल्के मुनाफे पर बैठे हैं, बट इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, बने रहें? विदिन द अगर एयरलाइन स्पेस देखे तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन है यहाँ पे लिस्टेड फॉर्म्स में, इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट। इनमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंट हिस्ट्री में जो दे रहे हैं वो है इंडिगो और जेट एयरवेज। ट्रेंड वाइज भी पॉजिटिव है, बाकी फिलहाल ऐसा कुछ नेगेटिव साइंस नहीं है कि ये स्टॉक में कोई बड़ा करेक्शन आएगा। इवन रिसेंट पास में हमने देखा कि जब भी ये स्टॉक में करेक्शन आता है, 8 से 10% का करेक्शन आता है, तो वहां से फिर से बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये होल्ड करें, आगे आने वाले 6-8 महीने में अच्छे रिटर्न इंडिगो से ही इनको बन सकते हैं। चलिए, तो 6 to 8 months तक का नजरिया रखें, इंडिगो को होल्ड कीजिए। यहाँ पर एवरी डिप में एक बाइंग इंटरेस्ट और या फिर करेक्शन पर खरीदना की सलाह भी यहाँ पर एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुचित भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपके सभी सवालों को शामिल करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, लेकिन एक बार मार्केट पर अपडेट ले लेते हैं। निफ्टी इस वक्त अपने निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 100 अंक यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में, करीब 9820 का स्तर भी निफ्टी ने तोड़ दिया है। रुचित, निफ्टी की बात करें अभी क्या राय होगी, कमजोरी बढ़ती ही जा रही है, 100 अंक की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है निफ्टी में, और सबसे ज्यादा कमजोरी इस वक्त बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में देखने को मिल रही है। अभी निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति होगी, क्या लेवल सजेस्ट करेंगे? अगर निफ्टी में पिछले दो हफ्ते का मूव देखे तो जो करेक्शन आया था 10,100 से लेकर 9,700 तक, वहां से एक अपमूव आएगा 9,900 से, वहां से फिर से करेक्शन आएगा 9,750, फिर से 9,900। ये जो रेंज बना दी है ये प्रोबेबली एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गई है, जो अगर हम अर्ली चार्ट्स देखें तो ये ट्रायंगल का हमें लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन आएगा कुछ एक उछाल के बाद में, तो 9850 9870 की जो रेंज है वो अभी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन चुकी है, और हमें नहीं लगता कि निफ्टी यहां से मेजर अपसाइड देगा। तो आई थिंक कोई भी उछाल आता है फिर से 9850 के आसपास मिलता है तो यहां पे निफ्टी में डेफिनेटली शॉर्ट पोजिशन ही बनानी चाहिए, एक 9,925 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने जो रिसेंट लोज टेस्ट किए थे ये 9,700 के करीब, वहां तक फिर से हमें निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। राइट, तो चलिए रणनीति आपको निफ्टी में बता चुके हैं। रुचित, शॉर्ट की ही राय यहां पर रहेगी क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसी हफ्ते एक्सपायरी भी है, इसी तरीके का ट्रेंड अभी आगे भी जारी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, मोहम्मद जी हमारे साथ मौजूद है फोनलाइन पर। मोहम्मद जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, बताइए। मेरे 1,000 शेयर है सिंडिकेट बैंक के। ठीक है, किस भाव पर खरीदा है? 110 रुपए पे, और इलाहाबाद बैंक है और 98 के भाव पे 2,500 शेयर। ठीक है, दोनों ही में आप एक साल तक के करीब रुक पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के निवेशक है, बैंकिंग स्पेस पर इनका फोकस है। रुचित, पहले इंडियन बैंक पे आपने राय दी, अब यहाँ पर दो और बैंकिंग स्पेस के शेयर्स हैं, सिंडिकेट बैंक 110 की खरीद है, इलाहाबाद बैंक 98। दोनों ही पोजीशंस में बने रहे हैं अभी, या फिर अभी आपको लगता है यहाँ पर और गिरावट आ सकती है? ये ओवरऑल पीएसयू बास्केट ही, जैसे हमने पहले भी बात की थी, मोस्टली सर मिड कैप पीएसयू नेम्स है, इन्होंने पिछले 6-8 महीने में कुछ ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए है। अब वॉलेटिलिटी काफी रही है इन स्टॉक्स में, बट जो अगर आउट परफॉर्मेंस के तरीके दे हम देखें तो मिड कैप से नहीं वो लार्ज कैप से आ रहा है, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में। तो मेरी इनको अभी भी ये सलाह रहेगी कि ये मिड कैप स्पेस में से एक बार यहां से एग्जिट कर ले, तो क्योंकि अगर कुछ भी लीडरशिप अपमूव में आनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे दिक्कत से ही आनी है। वो फिलहाल इनका जो निवेश है वो स्टेट बैंक में शिफ्ट कर ले आप, इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक दोनों ही स्टॉक में से एग्जिट करके एसबीआई में आप शिफ्ट कर सकते हैं। जब फिर से अपट्रेंड की शुरुआत होगी जो एसबीआई का लीडरशिप देगा, उसके बाद आप फिर से चाहे तो कोई मिड कैप स्टॉक्स देख सकते हैं जो अब मूव में पार्टिसिपेट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है कि कोई मिड कैप स्पेस में यहां से कोई उछाल एटलीस्ट आने वाले 2-3 महीने में आएगा। तो दोनों ही स्टॉक में फिलहाल एग्जिट करने की राय, इसके अलावा आप एसबीआई में खरीदारी कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं, महिपाल जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार महिपाल जी, पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास जेबी मनी का है 100 शेयर। ओके, 127 के रेट पर। ये आप कब तक बने रह सकते हैं शेयर में, नुकसान हो चुका है आपको काफी? 2-3 महीने बने सर। 2-3 दिन? हाँ, 2-3 के लिए बने रह सकते हैं। रुचित आदित्य, 2-3 महीने, माफ कीजिएगा, 2-3 महीने के लिए बने रह सकते हैं। रुचित, एवी मनी पे क्या राय देंगे आप? इन्होंने 127 के लेवल पर ले लिया था, काफी नुकसान इनको हो चुका है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं बने रह सकते हैं, 2-3 महीने का और टाइम दे सकते हैं। हालांकि आज स्टॉक में अच्छी तेजी है, सर्किट लगा हुआ है, अपर सर्किट लगा हुआ है स्टॉक में, अभी फिलहाल क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? पिछले 2 महीने में काफी नो उतार और चढ़ाव ये स्टॉक में देखने मिला है। हमने जून महीने में देखा था स्टॉक लगभग 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जहां से 160 तक गया और वहां से फिर से 80 रुपए तक का करेक्शन आया है। तो डेफिनेटली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करना या पार्टिसिपेट करना काफी रिस्की रहता है। मेरी इनको ये सलाह रहेगी कि एक स्टॉप लॉस लगा के चले, बिना स्टॉप लॉस के ऐसे स्टॉक में काम ना करें। जो रिसेंट लो है 80 रुपए का वो भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जो अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो डेफिनेटली फिर इसमें बने रहने की कोई वजह नहीं रहती है।
तो फिलहाल आप इसे होल्ड करें, लेकिन 80 रुपए का एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए ठीक है, आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पर राय मिल चुकी है और होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। आगे चलते हैं, मुंबई चलते हैं और लीना हमारे साथ वहां पर फोन लाइन पर भी जुड़ी हैं। लीना जी नमस्कार, आपका सवाल पूछने से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि मुंबई में जो भारी बारिश हो रही है, क्या आप सेफ एंड साउंड हैं? हाँ, बारिश तो हो रही है काफी, लेकिन हम घर पे ही हैं इसलिए ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आईएमडी की तरफ से यही एडवाइजरी इशू भी हुई है कि सभी को घर पे रहने की अभी हिदायत दी जा रही है, लेकिन किस तरीके का अभी माहौल है, क्या यातायात भी बहुत असर पड़ रहा है या फिर रोजाना के जीवन में भी कुछ असर पड़ रहा है? हाँ जी, नहीं थोड़ी ट्रेन भी लेट चल रही हैं जी, और बाकी फ्लाइट भी जैसे हम तो न्यूज में सुन रहे हैं तो पता चल रहा है कि लेट चल रही है। एब्सोल्युटली, आपने कहाँ निवेश किया है लीना जी, ये बताइए। सॉरी, आपने निवेश कहाँ किया है, कौन से शेयर्स खरीदे हैं? मैंने एक्साइज इंडस्ट्रीज दिया है 200.5 रेट पे 100 शेयर। ऑलराइट, और आप कब तक रख सकते हैं? अराउंड अ मंथ और सो, एक महीने करीब ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म नजरिया मान लेते हैं, रुचित हमारे साथ हैं, जान लेते हैं। रुचित बताइए, एक्साइड इंडस्ट्रीज 200 रुपए के आसपास की खरीद है, थोड़ा सा नीचे आ चुका है इनके भाव से, क्या करें अभी? आई थिंक अगर लंबे गाले के चार्ट देखें तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अपट्रेंड में है, बट क्योंकि इनका नजरिया काफी शॉर्ट है, सिर्फ एक महीने का है, एक महीने में बाजार में भी नहीं लग रहा है कि यहां से कोई खास अप मूव रहे, साथ ही साथ इवन ये स्टॉक में भी नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ी उछाल ये स्टॉक में आएगी। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि जो अगर इनके कॉस्ट के आसपास भी आता है, 205-208 की रेंज में आता है, तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। ये प्रोबेबली लगता है कि ये स्टॉक फिर से थोड़ा सा करेक्शन होगा और 190 टू 185 की रेंज में आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो ये राय आती हुई एक्साइज इंडस्ट्रीज में फिलहाल यहां से एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, वक्त है मनी गुरु को यही मिर्चा बाजार को यही समेटने का वक्त चला है। मुझे लगता है कि पूजा अभी भी शाम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, अपने शो हमके शो को अभी भी टीज करते हुए नजर आ रही है। शुक्रिया रुचित आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। मिर्चा बाजार को यही समेटते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वायदा कारोबार के सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं अगले शो के लिए। नमस्कार।